तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ये इस तरह की एक बर्ड। और दोस्तों, इसको कुछ लोग फ्लाइंग बर्ड बोलते हैं और कुछ लोग इसको फ्लाइंग बटरफ्लाई भी बोलते हैं, लेकिन जो इसका जो दोस्तों ओरिजिनल नाम होता है वो होता है ऑर्निथोप्टर। तो दोस्तों, इस ऑर्निथोप्टर को हमने जो है ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और इसको हमने किस तरह से असेंबल किया है सारी जानकारी हम देख लेंगे, और उसके बाद में आपको हम दिखाएंगे कि ये किस तरह से उड़ेगा और ये उड़ता है या नहीं उड़ता है, सारी जानकारी देंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की आई हुई है हमारे पास, और ये एक पॉलीथीन है ऊपर, और इसको हमने जैसे ही खोला तो अंदर एक और हमें पैक देखने को मिलता है। ये कार्डबोर्ड का है और इसके अंदर एक और हमें यहाँ पर पॉलीथीन मिली, और इसको हम इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पर जो हमारा जो फ्लाइंग बटरफ्लाई है वो निकल कर आती है बाहर। और ये अभी ये पूरी हमें असेंबल करनी है, इसके ये सारे पार्ट्स इसमें आए हुए हैं और इसके अंदर और तो कुछ है नहीं। और अब इस पॉलीथीन को हम साइड में करेंगे और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। ये यहाँ पे एक लकड़ी निकली हुई है और ये इसकी पूँछ है यानी टेल, और इसको भी हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे कुछ रबर बैंड्स निकले हुए हैं, यहाँ पे चार रबर बैंड हैं और इनको भी रखते हैं साइड में। और ये हमारा जो बटरफ्लाई के विंग्स हैं यानी कि पंख, वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स हैं और एक तार भी इसमें लगा हुआ है, और ये इसके अंदर से सारी चीज़ें निकली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार चीज़ें हमें अलग अलग मिली हैं, और अब इनको लगाना होगा। इस लकड़ी को हमें कुछ इस तरह से सेट करना होता है, यहाँ पे एक होल दिया रहता है और इस लकड़ी के ही साइज़ का, तो हमें इसमें इसको फिट कर देना होता है। और टेल में भी एक होल होता है, तो इसके पीछे हमें लगानी होगी यहाँ पे कुछ इस तरह से, और ये एकदम लग चुकी है। और अब इसके बाद में ये जो वायर दिया हुआ है यानी कि तार, इसको हम इसमें फंसाएंगे। ये जो प्लास्टिक की जो पतली पतली सी डंडियां हैं, यहाँ पे हुक दिए रहते हैं तार के, उसमें हम फंसा देंगे दोनों तरफ, जिसमें कि ये विंग्स काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आगे के पंख हमने जोड़ दिए हैं, और अब पीछे से इसमें रबर बैंड लगाते हैं। जो नीचे की ओर जो शाफ्ट दी हुई है वहाँ से हम पीछे की ओर रबर बैंड फंसाएंगे इस तरह से। और दोस्तों, यहाँ पे हमें चार रबर बैंड मिले हैं, तो हमने चार को लगाकर इसको ट्राई किया था तो ये सही से उड़ा नहीं था, और इसके बाद में हमने यहाँ पे तीन ही इस्तेमाल किए थे, जो कि आप देख सकते हैं हम एक एक करके इसमें लगा रहे हैं। इसे सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर रबर बैंड लगा लिए हैं। और अब दोस्तों, जो आगे की शाफ्ट है हमें उसको पकड़ के कुछ इस तरह से घुमाना होता है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह से हमें घुमाना होता है। और ऐसा करने से इसमें चाबी जैसी भर जाती है वो जो रबर बैंड्स हैं, और उसके बाद में जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग भी देख ली और इसको हमने किस तरह से असेंबल किया वो भी देख लिया। तो चलिए अब बारी है इसके टेस्ट करने की, ये उड़ता है या नहीं उड़ता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसको उड़ाकर। फ्रेंड्स, हमें इसको उड़ाने के लिए इसको जो है हमें कुछ इस तरह से राउंड घुमाना होता है, और इसमें चाबी जैसी भर जाएगी, और उसके बाद में ये हम इसको फेंक देंगे तो ये उड़ने लगेगा। और आप देख सकते हैं कि हम इसमें इसको घुमाते जा रहे हैं, जितना आपसे हो सके उतना घुमाइएगा और ज़्यादा ना घुमाएँ। और आप देख सकते हैं कि हमने इसको लगभग पूरा घुमा लिया है, और अब छोड़ते हैं इसको, देखते हैं ये किस तरह से उड़ेगी। दिखा दियो, इसको फिर से इसको तैयार कर रहे हैं, और ये लगभग
हो चुका है अब इसका, तो फिर से इसको हम उड़ाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये किस तरह से उड़ती है, और ये ज़्यादा ऊंचे नहीं जा रही है। और फिर से इसको ट्राई करते हैं। इस बार ज़्यादा चाबी भरने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हमने काफ़ी ज़्यादा इस बार घुमा लिया है ताकि ये और अच्छे से उड़ सके। तो चलिए छोड़ते हैं फिर से। तो दोस्तों ये फड़फड़ाते हुए नीचे गिर जाती है। दोस्तों जितना हमने सोचा था उतना ये अच्छे से नहीं उड़ रही है। तो चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं। और दोस्तों आप इसे इज़िली अपने घर पे भी बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मैकेनिज़्म है नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसको जो ऑनलाइन इसको ख़रीदा था इसको टेस्ट करने के लिए ये कैसे काम करती है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं अभी। दोस्तों आप इसे इजीली अपने घर पे भी बना सकते हैं और इसके ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये किस तरह से उड़ रही है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की है। तो दोस्तों इसका प्राइस है लगभग, हमने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया तो ये हमें 357 रुपए की मिली है, यानी कि ये 360 ही मान लीजिए आप। तो ये 360 रुपए की दोस्तों आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको इसे बिल्कुल नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और जितना हम लोग सोचते हैं कि अच्छे से उड़ेगी ये उतना अच्छे से नहीं काम कर रही है, उतने अच्छे से नहीं उड़ रही है। तो दोस्तों आप लोगों को हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसे ना ख़रीदें और जितना हो सके आप इसे अपने घर पे बनाने का प्रयास करें। दोस्तों हमारे हिसाब से अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 20 से 30 रुपए के आसपास होनी चाहिए थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और आप इसे ख़रीदने की सोचिएगा भी मत। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,